सेवन फाइव फाइव एट सेवन थ्री नंबर से आप संपर्क कर स्विच ऑफ कर लिया ना। कैसे करें, चोरी कर लिया ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो आप सभी का स्वागत करते हैं आज के एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग वीडियो में। दोस्तों जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं पटना जंक्शन के पास। चलिए चलते हैं अंदर। प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे अनाउंसमेंट भी हो रहा है। ये पटना जंक्शन का प्लेटफॉर्म संख्या 1 का जो कि हमारा जर्नी होने वाला है वो होगा सेकेंड एसी का। और क्योंकि इस ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है इसलिए हमने सेकेंड एसी को प्रेफर किया। हमारा जो कि बर्थ है A2 और मतलब सीट है 26 नंबर। तो चलिए चलते हैं, गाड़ी हमारी 4 नंबर पे लगी हुई। तो ये है प्लेटफॉर्म संख्या 4-5 जाने का रास्ता। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे। पटना LTT एक्सप्रेस यहाँ पे लगी हुई है जो कि देख सकते हैं आप लोग। जैसे थर्ड AC स्टार्ट होता है तो यहाँ से स्टार्ट होता है तो हमारा बर्थ जो है वो आगे होगा। आज का सफर थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन इग्नोर मत कीजिएगा, बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए इसको खोलते हैं। अरे भाई फिर से लग गया। और ये है हमारा बर्थ A2। चलिए बैठते हैं इसके अंदर 26 नंबर। ये है हमारा अपर बर्थ 26 नंबर। तकिया में कवर वगैरह नहीं लगाया है क्या? अभी लगा ही रहे क्या? हम निकल जाए, लगाएगा ना। ओके, वैसे ही गंदा तकिया रखा हुआ है। ये मिल चुका है, वो मिल चुका है ओढ़ने के लिए। तकिया में कवर नहीं लगा अभी। तो जैसा कि अभी हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और गाड़ी को खुलने में अभी 5 मिनट का और समय है पटना जंक्शन से, तो चलिए हम लोग एक और तकिया ले लिए थे क्योंकि एक तकिया में बनता नहीं है, पतला होता है इसलिए। वैसे चलिए तकिया इसको रखते हैं, उसके बाद इसकी साफ सफाई वगैरह आपको दिखाते हैं। सबसे पहले साफ सफाई की बात करें तो यहाँ पे बेसिन देख सकते हैं जिसमें पानी प्रॉपरली आ रहा है और ये ग्लास है नीट एंड क्लीन, सेकेंड एसी का है। इंटीरियर तो जैसा कि मैंने आपको दिखाई दिया, वॉशरूम वगैरह भी आपको दिखाई देते हैं। तो ये वॉशरूम सेकेंड एसी का आप लोग देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा हाई फाई दिखता भी नहीं है, बस वही है हैंड वॉश रखा हुआ है। और वंदे भारत वाला भाई का फैसिलिटी इसमें मत खोजिएगा। चलिए इसको बंद करते हैं। और ये देख सकते हैं ये हमारा देहाती टॉयलेट, पानी बारिश में भी आ रहा है और बस यही है। चलिए निकलते हैं बाहर। भाई जैसा कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा फैसिलिटी वगैरह हमें मिला नहीं, बस वही था कि जहाँ पे 8 लोग बैठते हैं थर्ड एसी में, यहाँ पे 6 लोग बैठते हैं, बस यही है। लोग कम है, सीट थोड़ा चौड़ा है, हाइट स्पेस थोड़ा ज़्यादा है। देखिए लोग सब कैसे प्लेटफॉर्म पे सोए हुए हैं। अब हमारी गाड़ी जो कि पटना जंक्शन से खुलने वाली है, हमारी गाड़ी को मिल चुकी है पीली लाइट और अब मिलेगा हरा। देखिए हरा लाइट जल रहा है। जय हो बाबा विश्वकर्मा, यात्रा सफल कीजिएगा। और जैसा कि हमारी गाड़ी खुल चुकी है, मेरा भी लगाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं बेड के पास। गेट लग जा भाई मेरे। चलो गेट लग चुका है, चलिए चलते हैं अंदर अपने सीट पे। यहाँ पे देखिए सेकेंड एसी क्लास में ये जो मिला है कितना गंदा है देखिए। चलिए इसको सेट करते हैं, अब हम लोग सोते हैं, फिर मिलते हैं कल सुबह आपसे। लाइट है देखिए, रीडिंग लाइट। ओके मेरे दाग से नहीं टूटा था। कितना टाइम हो रहा है? आपण ज्या नंबरवर कॉल करीत आहात तो सध्या बंद आहे, कृपया नंतर प्रयत्न करा। जिस नंबर से आप संपर्क कर
स्विच ऑफ कर लिया ना। यहाँ पे कोई होगा तो पुलिस कंप्लेंट कर, देखिए कुछ हो पाता है तो क्या करते पता है। ऐसे कर मेरा भी बैग यही था, पर मेरा बैग मेरे सर के नीचे था। आपके साथ वो कितना पास में ही था, मुझे वही लगा कि मेरा भी जा सकता था हैंड बैग। अब यहाँ पता चला मुझे, देखे कौन स्कोर जाएगा। पटना चढ़े थे हम लोग, वहां से मतलब एक घंटे तक था ही, उसके बाद मुझे थोड़ी नींद, अब भी मेरी नींद खुली, अभी रुकी भी नहीं थी, तब देखे कि मेरे पर्स गायब हो। हाँ, पूछना पड़ेगा कौन स्कोर जाता है। नहीं आ रहा है ना, आने भी खत्म है। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है दूसरा दिन इस व्लॉग का, और आप लोगों ने देखा इस जनता एक्सप्रेस के अंदर जनता को कितना ज़्यादा चुतिया बनाया गया। हमारे जो कि बगल का पैसेंजर था, उसका रात में जो कि 3 बजे के टाइम में करीब, वो एक जगी और बोली मेरा पर्स, उसका पर्स गायब हो चुका था। मैंने RPF को कॉल किया तो उसके बाद यही हुआ कि वो अप्लीकेशन एक फाइल किया, बोला ठीक है आपके घर पर एक पहुँच जाएगा नोटिस। उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। जैसा कि आप लोगों ने देखा, बेसिन वगैरह का पानी बिल्कुल भी ठप हो चुका है, कुछ भी पानी वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। बताइए सेकेंड AC काहे का, और सेकेंड AC में बताइए चोरी हो गया। इससे ज़्यादा उम्मीद आप लोग क्या रख सकते हैं इस जनता एक्सप्रेस के अंदर। खैर वो तो रात की बात थी, पहली रात थी, और आज दूसरी रात होने वाली है इस गाड़ी में। देखिए दूसरा दिन, और मैं आप लोगों को बता दूँ, उस लेडीज़ जिसका पर्स चोरी हुआ का कोई नहीं था, बस वही थी और उसके एक बच्चे थे साथ में बस, और उसका मोबाइल, डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका मंगलसूत्र वगैरह, ढोलना जो होता है, सारा चीज़ उस पर्स में ही था, बताइए। और ये घटना जो ये हुआ है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय में हुआ है, वहीं पे रुका हुआ था गाड़ी जिस समय ये घटना घटित हुआ है। खैर चलिए, आगे का अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहिएगा ऐसे ही वीडियो के साथ। देते पानी आया कि नहीं आया, तो अब पानी आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग अपने सीट के पास। गाइस 392 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है शंकरगढ़, जो कि समय से अभी 7 मिनट से ट्रेन डिले चल रहा है। गेट भी ऑटोमेटिक नहीं बस ढीला है, इसलिए बंद हो जाता है। चले चलते हैं गेट के पास ही, क्या पता कोई अंदर से लॉक कर दे दुश्मनी की वजह से, बाहर आ जाएंगे। और ये जो गाड़ी है 1697 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, वही 67 या 68 स्टेशनों पर, छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए। यही है कि इसका हॉल्ट बहुत जगह, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग होता है। खैर चलिए, लाइन अभी क्लियर नहीं हुआ है। चलिए गाड़ी खुल चुकी है शंकरगढ़ से। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अपना सा ब्रेकफास्ट करते हैं। इसका क्या नाम है? बटन जाइलोफोन। ये बटन जाइलोफोन बजाने वाला, देख सकते हैं।
फाइनली गाइस 715 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है जबलपुर। आप लोग देख सकते हैं और ये जबलपुर का प्लेटफॉर्म संख्या एक है। गाड़ी यहाँ पे 5 मिनट के लिए रुकी है। गर्मी यहाँ पे बहुत ज्यादा लग रहा है क्योंकि एसी से निकले हैं। चलिए एसी में ही चलते हैं। देख सकते हैं जबलपुर स्टेशन का कुछ इस प्रकार का व्यू है। यहाँ पे देखिए पानी ओवरफ्लो होने लगा है भाई। पानी समय पे निकलता नहीं है, अभी ओवरफ्लो होना शुरू हो गया। बताइए कैसा कैसा इस इंडियन रेलवे का सिस्टम है, देखिए। और फाइनली हमारी गाड़ी को हरी झंडी मिल चुकी है जबलपुर से। और देख सकते हैं गाड़ी समय से 20 मिनट जो कि डिले, जबलपुर के प्लेटफॉर्म संख्या एक से खुल चुकी है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म का काम चल रहा है, देखिए। फर्स्ट बार में जीत गई, कैसा लग रहा है? कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। मैं 2 बार जीती हूँ अंकल, अब भी 2 बार जीते। मैं भी 2 बार जीता। फर्स्ट कौन हुआ और सेकंड लूजर? ये हारी है लीडो छक्का में। तुम तो जीत गई 2 बार। अच्छा 2 बार तुम जीती है ना। क्या हुआ, हार गई? तो ये इक्वल हुआ ना, बराबर बराबर हुआ ना दोनों का? दोनों का बराबर हुआ ना, इसमें हार जीत कहाँ हुआ बताओ? हो जाओ, कल नेक्स्ट टाइम एक बार और खेलेंगे तो तुम जीत जाना, ठीक? उसके बाद तुम खुश हो जाना, आप चुप हो जाओ। हाँ कल तुम दोनों ही खेलना, ठीक है? या मैं और तुम? काटो। अच्छा काटो, इसमें काटो। डरपोक तुम है, मैं थोड़े डरपोक। मैं तो तेरे को दे रहा हूँ, काटो। कट कहाँ रहा है तुमसे? देखो देखो, कट ही नहीं रहा, काटो। आपको खेलना पड़ेगा। मैं नहीं खेलूंगा। दोस्तों आज है इस ब्लॉग का दूसरा दिन और अभी हमारी गाड़ी जो कि 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर ली है। वैसे अभी समय हो रहा है 8:30 और मतलब काफ़ी सारे स्टेशनों पे स्किप कर रही थी, इसलिए सारे स्टेशन को कवर करना भाई संभव तो था नहीं। इसलिए अब हमारी गाड़ी का जो कि नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है वो होने वाला है कल्याण, और कल्याण के बाद आपको दिखाएंगे प्राकृतिक सुंदरता क्या होती है। बहुत कम चाय दे रहे हो, इतना ही चाय देता है, पूरा भर के देता है। कहाँ रखोगे बचा के बताओ? कहाँ रखेंगे, इतना बचा रहे हो भाई। क्वांटिटी देखिए कितना कम दिया है चाय में। वैसे मैं चाय तो पीता नहीं लेकिन ले लिया हूँ, चलो कोई बात नहीं।
आसन गांव, हमारी गाड़ी आ चुकी है आसन गांव, देख सकते हैं आप लोग। ताकि हम लोग नाश्ता भी कर लिए, ड्रेस भी चेंज कर लिए, लेकिन गाड़ी जो कि हमारी आसन गांव में वैसे की वैसे खड़ी है। लग रहा है जैसे कि टाइम मेकअप नहीं कर रहा है, ये लेट कर रहा है। थैंक गॉड गाड़ी हमारी खुल चुकी है आसन गांव से, आप लोग देख सकते हैं। गया 1655 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी जो कि गाड़ी पहुंच चुकी है कल्याण जंक्शन, और यहां से जो कि 49 या 50 किलोमीटर और है लोकमान्य तिलक टर्मिनस। लाइन क्लियर हो चुका है गाड़ी का, बैठते हैं अंदर। गाड़ी अब पहुंच चुकी है थाने, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और जैसा कि अभी हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन स्थान पर, समय ट्रेन जो है एकदम पक्का समय पर पहुंचाया है 11:50 में। और ये है कुरला लोकमान्य तिलक टर्मिनस का प्लेटफॉर्म संख्या 5, और इस जर्नी को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।